बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। ओम ऐं रीम श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं रीम श्रीं महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज 19 अक्टूबर है, कोजागिरी पूर्णिमा मनाई जाएगी। हालांकि पूर्णिमा उदया तिथि से मानी जाती है तो 20 तारीख की मानी जाएगी, पर क्योंकि रात में चंद्रमा को अर्घ देने का टाइम 19 तारीख का है तो 19 की भी पूर्णिमा कई लोग मनाते हैं, और ख़ासकर जहाँ पे 14 डेज का कैलेंडर होता है, यानी कि बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कोस्टल एरियाज़ में, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में 15 दिन का तिथि लेते हैं ना, पूर्णिमा तक 15 तिथि हो गई, यहाँ पे 14 दिन की तिथि ली जाती है। तो कई प्रांतों में आज के दिन माँ महालक्ष्मी की पूजा मानी जाती है, जिसे हम कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं। आप सबको कोजागिरी पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा कल के दिन मनाई जाएगी, कोजागिरी आज के दिन मनाई जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। और दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं। कोजागिरी पूर्णिमा का शुरू में ही माँ महालक्ष्मी का मंत्र मैंने आपको दे दिया है। आज के दिन धान ज़रूर चढ़ता है देवी को। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं ये सब, और इनमें जिस एरिया का जो हार्वेस्ट मेन होता है वो ज़रूर चढ़ाया जाता है। जैसे धान जहाँ का है वहाँ पर धान चढ़ाया जाता है। आप किस स्थान का जो होगा पता करके ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं राशियों के हिसाब से क्या कह रहे हैं आपके किस्मत के पत्ते। मेष राशि वालों, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। अपने काम को कैसे विस्तार करना है, एक्सपैंड करना है, एक स्थान से बाहर लेकर जाना है, प्लानिंग के साथ कैसे बढ़ना है, ये सारे काम आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर एक्सपेंशन, वर्क एक्सपेंशन के लिए टाइम बहुत अच्छा है। फॉरेन से जुड़ा हुआ काम हो, ट्रैवल हो, वीज़ा से जुड़ा हुआ वर्क हो, PR से जुड़ा हुआ वर्क हो, वो भी पूरा होते हुए जा रहा है। और ख़ासकर जो लोग ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी आज के दिन कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ आ सकती है। चलिए बात करते हैं अगली राशि टॉरियंस के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं से आपको सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी। कहीं पैसे अटक गए हैं तो वो आते हुए मिलते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मन में एक अलग उत्साह रहेगा फाइनेंशियली, और कुछ अचीव कर पाए हैं ये चीज़ आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ना, वो होती हुई नज़र आ रही है। कहीं से पैसे आने हों वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो टोटल आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। चलिए बात करते हैं अब अगली राशि मिथुन राशि वालों के लिए। टाइम अच्छा है, जीवन आपको मौके बहुत दे रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि आप शायद इन मौक़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये मौके हाथ से छूट जा रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि कोई भी किसी भी प्रकार का मौका हाथ से छूटे ना, मौके आपको मिलते रहें, टिके रहें, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल हाथ से कुछ भी स्लिप ना हो, इस चीज़ का आपको बेहद ख़ास ख्याल रखना है। इमोशनली थोड़ा सा लेजी रहेंगे, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि जीवन पर्यंत आपके किसी संबंध को ख़राब कर सकती है, तो आपको बातें उतनी ही करनी है जितनी आप सोच समझ के बोलें। अगर किसी लेडी बॉस से मीटिंग है तो अवॉइड कर लें। किसी महिला से कोई दो बात हो जाए तो बेहतर रहेगा चुप्पी लगा लें, एक चुप में 100 सुख। लेकिन आज के दिन आप जीवन के कड़े निर्णय ले पाएंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत स्ट्रांग रहेगी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी, जो कि ओवरऑल आपके लिए बेहद खास रहेगी। तो टोटल मैं कहूँगी आज का दिन कई मायनों में आपका अच्छा जाएगा। बात करते हैं अगली राशि की सिंह राशि वालों का। आज का दिन कैसा जाएगा? बड़ा शानदार सा दिन नज़र आ रहा है सिंह राशि वालों। बहुत दिनों से किसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे, एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। करियर से जुड़ी हो सकती है, प्रॉपर्टी, IT, टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, इनसे जुड़े हुए कोई मौका हो सकता है। और ख़ासकर जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में एक नया लाइफ पार्टनर आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एक अच्छी खूबसूरत सी रिलेशनशिप नज़र आ रही है, और मैं कहूँगी कि लाइफ में एक अलग रोमांस आज के दिन सिंह राशि वालों नज़र आ रहा है। मन में एक अलग उत्साह रहेगी, अच्छी सी बात है ना, एक अच्छा पार्टनर मिले तो लाइफ खुश रहती है। ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी भी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। तो टोटल मैं कहूँगी आज का दिन बेहद शानदार जाएगा। कई मायनों में किस्मत आपका साथ दे रही है और आप अपने आप को बहुत लकी महसूस करेंगे। कन्या राशि वालों,
पैसों को लेकर चिंता सता सकती है, कहीं फाइनेंशियल लॉस नज़र आ रहा है, कहीं से आपने उम्मीद करी है कि आपको पैसे मिले तो शायद वहाँ डीले हो रहा है या मदद नहीं मिल रही है, या आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बैंक से जुड़ा कोई मसला आपको परेशान कर सकता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज चैलेंज बन सकती हैं। बात करते हैं अब तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज का दिन बेहद शानदार जाएगा, अपनों के साथ मुलाकात होगी, फ्रेंड सर्कल, फैमिली, इनके साथ एक रीयूनियन प्लान कर सकते हैं, पुराने किसी मित्र से मुलाकात होगी, दो तीन लोग मिलके घूमने चले गए, कहीं बाहर की ट्रिप हो सकती है, कहीं मन में एक अलग उत्साह रहेगा, एक अलग उमंग रहेगी, एक किसी का सहयोग मिलने से ना एक पार्टी वाला मोमेंट, खुशी वाला मोमेंट वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो टोटल मैं कहूँगी आज का दिन कई मायनों में बहुत अच्छा जाएगा, मन में एक अलग संतुष्टि रहेगी, सेटिस्फैक्शन रहेगी, कंफर्ट रहेगा, एक अलग जिसे कहते हैं ना एनर्जी लेवल रहेगा जो कि आपको बहुत खुश करेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब वृश्चिक राशि वालों के लिए। बहुत शानदार दिन जाने वाला है वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन मान सम्मान बढ़ेगा, आपका ख्याति बढ़ेगी, आपकी सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम हो, सरकारी काम हो, पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगी, यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी, कई जगह पे आप एक सोशल मीडिया फेम के रूप में भी आगे बढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी फेमस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मान सम्मान जैसे मैंने पहले भी कहा बढ़ेगी, कोई एक चीज़ को लेकर आप बहुत दिनों से फोकस्ड थे वो हो नहीं रहा था, वो अब होता हुआ नज़र आ रहा है। लाइफ में गोल्स बनाएं और इस गोल को यदि आज के दिन आपने कोई बनाया है उसे सेट करने में पूरी एनर्जी लगा दें, उद्देश्य बनाएं और उद्देश्य के प्रति आप अपने आप को समर्पित करें तो आपका दिन बेहद शानदार जाता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए बात करते हैं हम अगली राशि की, क्या कह रहे हैं काज धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत दिनों से किसी मौके का वेट कर रहे थे वो आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई अच्छी प्यारी खूबसूरत सी रिलेशनशिप जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में नज़र आ रही है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी, पार्टनर का साथ, सब कुछ नज़र आ रहा है, मन में एक अलग उत्साह रहेगा, एक अलग खुशी रहेगी, एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मसला सॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है, आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है, कहीं पैसे अटके हों, करियर से कहीं दिनों से कोई प्रपोजल नहीं आ रहा है, कोई ऑफर आता हुआ नज़र आ रहा है जो कि बहुत सॉलिड रहेगा और ये काफ़ी दिनों से इन प्रोसेस था लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पा रही थी, तो ऐसा ही कुछ होगा आज के दिन। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों थोड़ा सा स्लो, कैसे स्लो मैं बताती हूँ, ख़राब नहीं है आज का दिन, बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्या है कि पैसों की चिंता सता रही है, मेहनत बहुत कर डाली, एफर्ट बहुत कर डाले पर रिटर्न नहीं मिल रहा है उस हिसाब का, कहीं ऐसा लग रहा है कि टाइम इन्वेस्ट कर दिया पर पैसे नहीं मिले, मेहनत बहुत कर डाली पर पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिलना या धन का फंसना आज के दिन आपके लिए तनाव का कारण बनेगा, थोड़ा सा रिलैक्स करें, कोजागिरी पूर्णिमा है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का पूरा पूरा प्रयास करें, बाकी का दिन आपका अच्छा जाएगा। ट्रस्ट करें, ये मेहनत आपकी वेस्ट नहीं हुई है, ये मेहनत आपको रंग ला के देगी, इसका परिणाम शुभ होगा, लेकिन धैर्य रखना है, आज के दिन नहीं होगा, आने वाले दिनों में होगा, लेकिन कहीं मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जा रही है तो इस बात को लेकर आप निश्चिंत हो जाएं। चलिए बात करते हैं अब अगली राशि की, क्या कह रहे हैं काज अगली राशि। अक्वेरियन, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में अपने आप को उलझा हुआ महसूस करेंगे, अपने ही थॉट्स में उलझा हुआ महसूस करेंगे, फंसा हुआ महसूस करेंगे और बॉडी एक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, मेंटल क्लैरिटी की कमी नज़र आ रही है, किसी एक परिस्थिति में बंधे हुए महसूस करेंगे। अगर आपको बाहर निकलना है तो आज का दिन उसके लिए ठीक नहीं है, जैसी परिस्थिति है उसे आज के दिन आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं नज़र आ रही है। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज का दिन आपका मेहनत करने का है, कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना करें क्योंकि आज के दिन फल मिल नहीं रहा है, वेस्ट नहीं जाएगी मेहनत, जैसे मैंने मकर राशि वालों का भी कहा था कि उनकी भी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है, उनका फाइनेंसिस से जुड़ा है, आपका करियर से जुड़ा हुआ है, करियर से जुड़े हुए काम को आप फोकस होकर करें, लेकिन आपको फोकस राइट डायरेक्शन में होना ज़रूरी है, सही दिशा निर्धारित करनी आपके लिए ज़रूरी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा बैठ के एनालाइज करें कि क्या आपकी दिशा सही है, क्योंकि दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी, ऐसी ही खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल आस्ट्रो तक पर। लेती हूँ आपसे विदा, आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ अपना अपने परिवार का खूब खूब ख्याल रखिएगा, नमस्कार, आपका दिन बेहद बेहद शुभ हो।